हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी कुरतलाइन हैदर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो है वो सुबह सुबह का टाइम है और जो है ये ब्लॉग जो है वो और किसी चीज़ के लिए नहीं, ना ही मैं कहीं पिकनिक पे जा रही हूँ और ना ही ये कोई मेकअप वीडियो है। तो आज जो है हमारे सामने वाले जो नेबर हैं वहाँ पर जो है वो एक काव है और वो काव जो है वो रूफ टॉप पर है और जो है उसको अब नीचे उतारने वाले हैं ये लोग और क्रेन जो है वो आ गया है और इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह पाक साथ खैरियत की उसको उतारेगा। तो आज की वीडियो यही है और चलें चलते हैं और देखते हैं कहीं गाय बेचारी उतर ही ना जाए। ओके, तो गाइस ये देखें, ये जो है वो गली में क्रेन आ चुका है। ये आ चुका है और ये जो है यहाँ से गायें उतरेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर क्योंकि वायर भी बहुत ज़्यादा हैं तो अब मालूम नहीं मुझे ये लोग किस अंदाज से इसको उतारने वाले हैं। अल्लाह पाक करे वो साथ खैर से उतरे क्योंकि बड़ा डर लगता है ऐसी चीज़ों में मुझे। चलें देखते हैं क्या होता है आगे। सो दोस्तों, क्रेन की पोजीशन सेट की जा रही है ताकि जो है वो ये सही से घूम सके और ये इस विंडो तक पहुँच सके। थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रहा है लेकिन इन लोगों को आइडिया होता है कि काफ़ी छोटी छोटी गलियों में भी जो है ये कर लेते हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं। तो गाइस ये जो है ये फ्लोर पे एंगल लगा रहे हैं और ये क्रेन जो है वो अपर साइड जो है वो उठता जा रहा है। ये फोर साइड से इन्होंने ये लगा दिए हैं। ये दोस्तों ये क्रेन जो है ये रेडी कर लिया है इन लोगों ने और ये इसका हैंडल जो है ये अपर डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर मौसम भी कुछ अच्छा हो गया है कराची का आज के दिन। अच्छा, ये वीडियो मैं आज ही अपलोड करने वाली हूँ तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये आज ही आपको मिलेगी। और ये सुबह का टाइम है और सुबह जो है ये 10 बजे का टाइम है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है वो आ रहा है। ओहो, ज़बरदस्त। और वो जो आपको अंदर नज़र आ रही है ये वो हमारी बच्चिया है, वो आपको दिख रही होगी। ये मैं आपको जूम करके दिखाऊं, एक ये जनाब ये जो है ये हमारी बच्चिया है और वो देख रही है कि ये हो क्या रहा है। वो थोड़ा घबराई भी है इसलिए हमने उसको अंदर रख दिया था। माशाल्लाह से ये इन्हीं के घर में बंधी हुई है हमारी, क्योंकि मेरे घर में जो है वो जगह नहीं थी आप की बार प्लांट्स की वजह से। या जनाब ये देखें, ये इन्होंने बिल्कुल एंगल अपना फिट कर लिया है और ये जो है वो विंडो की साइड लेकर जा रहे हैं। हमारे घर बहुत परेशान है और वो किरण को देख रही हूँ, बोलिए या अल्लाह ये क्या अजाब नाजिल हो गया मेरे सर पर सुबह सुबह। जनाब ये कहाँ तक जा चुका है ये देखें, ये बिल्कुल पोजिशन पर जा चुका है और ये फिर अंदर की साइड जाएगा एंड देन गाय पर जो है वो ये बिल्कुल फिटिंग करेंगे, सब लॉक करेंगे उस बेचारी को, अच्छे से बांधेंगे और फिर इस हुक के थ्रू वो नीचे उतरेगी। अल्लाह पाक करे अच्छे से उतर आए। तो दोस्तों सब जो है वो ऊपर जा चुके हैं और जो है अंदर गाय को बांधा जा रहा होगा फॉर श्योर और देखा जा रहा है कि उसको किस तरह से हमें उतारना है, किन तारों के बीच में से उसको उतारना है कि सही गैप मिले। और यहाँ पर अभी सन्नाटा है क्योंकि सब जो है वो ऊपर रूफ टॉप पर जा चुके हैं। अब देखते हैं कितनी देर लगती है इस गाय को बांध के लेकर आने में। और गाइस ऑलमोस्ट जो है गाय को बांध लिया गया है, ये लोग कह रहे हैं कि गाय बांध गई है और जो है बस थोड़ी सी वो डरी भी है लेकिन बन गई है। क्योंकि ये ऊपर ही इनके पास पली है ज़्यादा टाइम तो ये घबराती है वैसे भी ना अनजान लोगों को देखते हुए। और मौसम भी कुछ ऐसा हो गया है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है जो कि अभी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जानवर ऐसे में घबरा जाता है। सो दोस्तों मैं रूफ़ टॉप पर आ गई हूँ और मैंने सोचा क्यों ना रूफ़ टॉप से मैं अपने व्यू लूँ, क्योंकि मैं उससे एक नीचे सेकंड फ्लोर पे थी अपने, तो मैंने सोचा कि ऊपर से देखा जाए कि क्या हो रहा है भाई। और जो है गाय बन गई है कि नहीं बन गई है, आधा घंटा हो चुका है उनको ऊपर गए हुए, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या हो रहा है। सो गाइस अभी भी जो है वो रूफ़ टॉप पर सब लगे हुए हैं और
वो बेचैन और परेशान हो रही है, घबराई हुई है गाय, क्योंकि उसको अच्छे से बांधना बहुत ज़रूरी है। ये देखें वो, ये देखें आपको नज़र आई, ओफो, अल्लाह पाक सही से बन जाए ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। घबराई भी है वो, बहुत बुरी घबराई भी है। तो दोस्तों देखा आपने, अभी जो है वो गाय काफ़ी घबराई भी है और जो है बेचारी अभी बंद रही है, तो देखते हैं कि कब तक वो बन जाती है। तो दोस्तों सुनने में ये आया है कि वो नहीं उतर पा रही है गाय, और जो है वो बहुत मार रही है, रस्सियाँ तोड़ ले रही है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से रूफ टॉप पर थी छोटे उसमें, तो इस वजह से वो नहीं बन पाई और प्लान कैंसिल हो गया है उतरने का। तो खैर ये लोग कह रहे हैं कि अब जो है ये छत पर ही बांधे काटेंगे उसको और बांधेंगे भी छत पर ही, तो होपफुली यही उसके हक़ में बेहतर है, क्योंकि अगर वो कुछ ज़्यादा हिलती जुलती तो वो उसको चोट लगने का ख़तरा था, किसी की जान जाने का ख़तरा था, तो इस वजह से जो है वो प्लान कैंसिल हो गया है और काओ जो है वो नहीं उतर रही। और जनाब ये किरेन जो है वो वापस जा रहा है पैक होकर, और जो है वो गाय नहीं उतर पाई, कामयाब नहीं रहे ये लोग गाय को उतारने में। चलें नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। क्रतलैन हैदर का अल्लाह हाफिज़।